और बड़ी खबर का रुख करते हैं। तीन पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। आईपीएस करण शर्मा को लेकर बड़ा अपडेट। एसपी सीआईडी सीबी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तीन आईपीएस के तबादले किए गए हैं। उनमें एक नाम आईपीएस करण शर्मा का है जिनको एसपी सीआईडी सीबी लगाया गया है। आईपीएस सुधीर चौधरी को एसपी साइबर क्राइम लगाया गया है। आईपीएस राजेश मीणा को एसपी सीआईडी सीबी लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएस सुधीर चौधरी को एसपी साइबर क्राइम जयपुर के अंदर लगाया गया है, जबकि आईपीएस राजेश कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जरा बताइए तीनों के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि तीनों ही डायनेमिक पुलिस अधिकारी हैं, उनके तबादले को लेकर बताइए कि अब जो नई भूमिका निभाने वाले हैं उसमें क्या खास। देखिए, तीनों जो अधिकारी हैं वो कुछ समय पहले अपने अपने इलाकों से वहाँ से हटा दिए गए थे। चुनावी आचार संहिता के दौरान शिकायतें मिली थी, उस शिकायत के बाद में उनको वहाँ से हटा दिया गया था। अब इनको नई पोस्टिंग दी गई है। अगर बात करें आईपीएस करण शर्मा की, तो उनको सीआईडी सीपी पुलिस मुख्यालय में लगाया गया है। सुधीर चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है साइबर क्राइम, जो कि पुलिस मुख्यालय उनका हेडक्वार्टर होगा। और वहीं जो तीसरे आईपीएस है राजकुमार मीणा, उनका पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी, यानी तीनों को सीआईडी सीबी में लगाया गया है, जिससे कि चुनाव के दौरान तीनों का जो तीनों की भूमिका है उस भूमिका के आधार पर तीनों का अच्छा ले सके। और साथ साथ चुनाव के दौरान इनकी ये भी नजर रहेगी कि जो साइबर क्राइम के ऊपर होने वाले जो अपराध होते हैं, जिस प्रकार से चुनाव को अफवाह फैलती है, तो उसको रोकने के अंदर भी तीनों अपनी भूमिका निभा सके। ऐसे में तीनों अधिकारियों का तबादला किया गया है। सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।